गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो एनी 205 सब्जेक्ट का टॉपिक है एंड इट इज इंडिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस सिंबल्स। जब भी कोई पार्ट को प्रोड्यूस करना होता है तो उस पार्ट की डिटेल्ड ड्राइंग दी जाती है। उस ड्राइंग पे वेरियस सिंबल्स इंडिकेट होते हैं जो ये शो करते हैं कि उस जोन को हमें किस तरीके से तैयार करना है। उन सिंबल्स में रफनेस कितनी होगी, सैम्पलिंग लेंथ कितनी होगी या कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन काम में लिया जाएगा एक्सेट्रा डिटेल्स शो होती हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम सिंबल के थ्रू ड्राइंग में इंडिकेट करते हैं। ये सिंबल्स कहलाते हैं सरफेस रफनेस सिंबल्स। दिस इज द बेसिक सिंबल। इसको बनाने का तरीका है, एक शॉर्ट लेग होता है, दूसरा लॉन्ग लेग होता है। दोनों लेग जो सरफेस है उससे 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन होते हैं। शॉर्ट लेग की हाइट इज सपोज एच, तो लॉन्गर लेग 3 times ऑफ दैट हाइट होती है, दैट इज 3h। अगर इस तरीके का ड्राइंग पे सिंबल बना हुआ है तो वो शो करता है कि सरफेस तो प्रोड्यूस करनी है, किसी भी मेथड को काम में लेते हुए सरफेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी सिंबल में अगर हम एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं तो उस सिंबल का मतलब है कि सरफेस तो पार्ट तो प्रोड्यूस करना है पर जो मटेरियल रिमूवल है वो मशीनिंग के थ्रू ही रिक्वायर्ड है। अगर सिंबल में बीच में सर्कल ऐड कर दिया जाए तो उसका मतलब है पार्ट तो प्रोड्यूस करना है लेकिन जो मटेरियल रिमूवल है वो वहां से उस जोन पे परमिटेड नहीं है, मतलब वहां से आप मटेरियल को रिमूव नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन आप करके उस पार्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इन तीनों सिंबल्स को क्लब कर दिया जाए तो एक जो मेन बेसिक सिंबल जो बनता है वो इस तरीके का बनता है। ये सिंबल में जहाँ ए लिखा है वो शो करता है कि यहाँ पे आप जो वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू होगी रफनेस ग्रेड की। जो रफनेस ग्रेड है वो रेंज, उसकी जो रेंज होती है वो होती है N1 से N12, या आप नंबर भी काम में ले सकते हो या सिंबल भी काम में ले सकते हो। E जो लेटर है वो शो करता है कि यहाँ पे कितने मशीनिंग अलाउंस दिए जाएंगे। जो D है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ ले, इसका मतलब कि टूल किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो फॉर डायरेक्शन ऑफ ले यहाँ पे सिंबल बनाए हुए हैं। अगर दो इस तरीके की लाइंस बनी हुई है इसका मतलब है कि पैरेलल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अगर X लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा क्रॉस डायरेक्शन। अगर यहाँ पे C लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा सर्कुलर डायरेक्शन। ये सिंबल शो करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। M का मतलब होगा मल्टी डायरेक्शनल एंड अगर R लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा रेडियल डायरेक्शन। इसी सिंबल में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बना देते हैं तो उसके ऊपर जो लेटर है वो शो करता है कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड काम में लेना है। अगर यहाँ पे ग्राइंडिंग लिखा है इसका मतलब जो प्रोडक्शन मेथड आप काम में लोगे वो होगा ग्राइंडिंग। जो लेटर सी है वो शो करता है कि सैंपल की लेंथ कितनी है, उसको बोलते हैं सैंपलिंग लेंथ। जो एफ है लेटर वो शो करता है कि अगर आपको कोई अदर रफनेस वैल्यू को लिखना है। तो इस तरीके से ये सिंबल जो है वो एक प्रोडक्ट की पूरी डिटेल को शो करता है और इसके थ्रू हम इन सिंबल्स को इंडिकेट करते हैं। साथ में मैंने एक टेबल बनाई है जो टेबल शो कर रही है रेंज ऑफ रफनेस ग्रेड, किस रफनेस ग्रेड के लिए क्या नंबर है वो मैंने लिखा है और उसी रफनेस ग्रेड के लिए क्या सिंबल बनाया जाता है वो भी मैंने वहां शो किया है। तो अगर इस ए के यहाँ पे 50 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि जो रफनेस ग्रेड होगी वो 50, या उधर नंबर आप लिखोगे तो उसका नंबर आप ले सकते हैं N12, या आप ये वाला सिंबल को भी बना सकते हैं। जो नंबर 50 है वो हाईली रफ सरफेस को इंडिकेट करता है और जो नंबर 0.025 है वो हाईली फिनिश्ड सरफेस को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से ड्राइंग में सिंबल के थ्रू हम पूरी प्रोडक्ट की डिटेल को बता सकते हैं। थैंक यू।